चारू एसोपा ने लगाया राजीव पर इल्जाम। चारू के इल्जामों पर आया राजीव का रिएक्शन। कहा मैं नहीं चाहता डिवोर्स, वेल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चारू एसोपा और राजीव सिंह पिछले काफी टाइम से अपनी मैरिड लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही चारू राजीव ने पैचअप किया था और लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया था, पर करवा चौथ के दूसरे दिन से ऐसी खबरें आने लगी कि राजीव ने चारू को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है और दोनों ने एक दूसरे की पिक्स तक डिलीट कर दी है। जहां चारू ने अपनी मैरिड लाइफ को लेकर काफी चौंकाने वाले खुलासे किए, वहीं उन्होंने घरेलू हिंसा का आरोप तक राजीव के ऊपर लगाया। वहीं चारू ने कहा कि शादी की शुरुआत से ही हमारे बीच झगड़े होने लगे थे। मुझे लॉकडाउन से पहले राजीव ने 3 महीने के लिए अकेला छोड़ दिया था। जब भी कभी हमारे बीच झगड़े होते हैं तो राजीव चले जाते हैं और कॉन्टैक्ट का सारा मीडियम भी खत्म कर देते हैं। वहीं चारू ने कहा कि राजीव ने मुझे गाली तक दिया है और मेरे साथ मारपीट तक किया है। अब वो इस रिश्ते में अपना फ्यूचर नहीं देखती हैं। वहीं राजीव चारू के इन एलिगेशंस पर रिएक्ट करते हैं। राजीव जब अपनी बेटी के पास भिलवाड़ा जाते हैं, उस वक्त राजीव ने मीडिया से बात किया था और उन्होंने कहा था कि अभी हम अपनी बेटी की हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि शादी में हो रही दिक्कतों के बारे में बात करना चाहिए। मुझे जैसे पता चला उसे डेंगू हुआ है, मैं मुंबई से फ्लाइट लेकर आया और मेरी बेटी मुझे देखकर बेहद हैप्पी भी हो गई। वहीं राजीव कहते हैं कि अपनी शादी के बारे में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि दो ना खुश लोग एक साथ रह रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं चारू का पार्टनर बनके उसके साथ जिंदगी बिताऊंगा, पर मुझे भी तो प्यार की जरूरत है। चारू की दुनिया सिर्फ उसका यूट्यूब वर्ल्ड है, उसे फैमिली की इम्पोर्टेंस समझने की जरूरत है। मैंने कभी भी तलाक के लिए प्रोसीडिंग नहीं की है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ईगो, घमंड और उसके बुरे दोस्तों ने एक खूबसूरत शादी को खत्म कर दिया। वहीं राजीव से जब पूछा गया कि चारू ने उन पर आरोप लगाया है कि वो जियाना की केयर के लिए कुछ भी मनी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर राजीव कहते हैं कि मैंने अपने लॉयर से जितनी भी लीगल नोटिस भेजी है उनमें मैंने कभी ये मेंशन भी नहीं किया है कि मैंने जियाना के फ्यूचर के लिए मनी नहीं दूंगा, बल्कि मुझे खुशी होगी कि मैं उसके फ्यूचर के लिए कुछ कर सकूं। वह राजीव ने भी अपना पक्ष रखा और चारू ने भी। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा ये तो यही बेहतर जाने, पर फैंस को क्या कहना है दोनों के रिश्ते पर हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।